ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में विकास की खोज सच्चाई के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर। और मैं हूं आशिमा। मेरी और समीर की तरफ से आप सबका एक नई जिंदगी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खोज के बारे में जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, और वो है सच्चाई की खोज। जब हम सच्चाई के बारे में सोचते हैं तो हमें साधु दिखाई देते हैं जो कई साल पर्वत के ऊपर इंतजार करते हैं, सच्चाई की खोज करते हैं। कई लोग बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सोचते हैं किसी न किसी तरीके से हम सच्चाई को पा सकें, परमेश्वर को जान सकें। हम जब ये देखते हैं, हमें लगता है सच्चाई को जानना आसान नहीं है, और एक टीनेजर के लिए तो हम सोचते हैं और भी बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन विकास मैसी ने सच्चाई की खोज स्कूल से ही शुरू कर दी थी। वो स्कूल के ज्ञान के साथ साथ इस सच्चाई के बारे में भी जानना चाहते थे, और आखिर में उन्होंने इस सच्चाई को पा ही लिया। क्या सच्चाई पाना वाकई में इतना आसान है? क्या आप और मैं इस सच्चाई के भागीदार बन सकते हैं? आइए देखते हैं विकास मैसी की कहानी। जब हम स्कूल में होते थे तो बच्चे हमसे कहते थे कि आपके माता पिता ने या आपके पूर्वजों ने एक धर्म बदला है। पहले आप हिंदू थे और अब ईसाई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें दिल में चुभती थी, और कहीं ना कहीं मेरे मन में इस बात को उठी कि मैं उस सच्चे परमेश्वर को जानूं कि वो परमेश्वर कौन है। विकास जब छोटा था तभी उसके माता पिता ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। लेकिन उनके इस फैसले ने उनके बेटे विकास के जीवन को बेहद प्रभावित किया। निश्चय जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो मुझे लगता था कि मेरे पूर्वजों के द्वारा या मेरे माता पिता के द्वारा ये निर्णय क्यों लिया गया, और कहीं ना कहीं इस सवाल ने मुझे आत्मिक रीति से, सामाजिक रीति से मुझे कमजोर किया। और लेकिन कमजोरी के साथ साथ एक निर्णायक शक्ति भी दी कि मैं उस सत्य को जानूं, उस सत्य को पहचानूं जिसको शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जैसे जैसे विकास बड़े होते गए वैसे ही यीशु को जानने की उनकी उत्सुकता भी बढ़ती गई, और बाइबल के साथ उन्होंने दूसरे ग्रंथों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। और जब व्यक्तिगत मैंने इसका अध्ययन किया, उनके द्वारा हमको सीखने को मिला कि किस तरह से वेदों में एक निष्कलंक परमेश्वर की घोषणा, वो निष्कलंक परमेश्वर जो हमारे लिए अपना प्राण देता है, लिखा है तद रक्तम परमात्रम पुण्यदान बल्याग्रम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। वो परमेश्वर हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाता है। और मैं इतिहास में अगर देखूं, अगर मैं इतिहास की घोषणा करूं तो मुझे यीशु मसीह के अलावा कोई ऐसा कैरेक्टर दिखाई नहीं देता जिसने अपना लहू बहाकर समस्त मानव जाति को पाप के उस कुंड से, उस अंधकार से निकाला हो। जैसे जैसे विकास धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते जा रहे थे उतना ही वो आत्मिक रीति से परमेश्वर का अनुभव भी कर रहे थे। चाहे आप भारतीय दर्शन की बात करते हो जहाँ लिखा है श्री कत्र सुताय नमा वो कन्या से उत्पन्न होंगे, श्री वृक्ष अर्थराय नमा वो अपना लकड़ी के ऊपर प्राण देंगे, जैसे मैंने आपको बताया श्री रुद्रपुत्राय नमा वो अपना लहू बहाएंगे, ये सारी बातें मिलकर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया प्रभु के वचन में लिखा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, वहां ये नहीं लिखा है मार्ग सत्य और जीवन मैं भी हूँ। प्रभु यीशु ने कहा मैं ही हूँ, इसलिए मेरी जो खोज थी, जो सर्च थी, जो प्यास थी कि वो परमेश्वर कौन है जो अपने दैवीय प्रकाशन से मेरे जीवन को बदल सकता है, वो खोज प्रभु यीशु मसीह में मेरी समाप्त होती है। विकास को परमेश्वर की इस खोज के दौरान कई अनुभव हुए, फिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो उन लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उन्होंने अपने जीवन में उनका अनुभव किया। लोगों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मुझे बताया कि यीशु मसीह ही महान और जीवित परमेश्वर है, और अनंत जिसको हम मोक्ष कहते हैं वो क्या है? क्या वो मोक्ष हमें मरने के बाद मिलेगा, या उस मोक्ष का अनुभव हम इस जीवन में इस पृथ्वी पर कर सकते हैं? उस परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं? क्या वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्या वो परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करेगा? क्या वो मुझे अपनी संतान बनने का अधिकार देगा? एक दिन विकास ने फैसला किया कि वो एक स्थानीय पास्टर से मिलेंगे और अपने मन के संदेह को दूर करेंगे, और जो कुछ भी उस पास्टर ने उनसे कहा उस बात ने
उनके दिल पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। मनुष्य का उद्देश्य क्या था और किस तरह से वो मनुष्य उस परमेश्वर से दूर हुआ और मनुष्य ने अपने प्रयासों के द्वारा उस परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाया। उसी दौरान एक दिन एक मसीही प्रार्थना सभा में विकास को एक अनोखा अनुभव हुआ। जब बार बार यीशु मसीह का नाम प्रचार किया जा रहा था, वहां से प्रभु यीशु मसीह के कार्यों की घोषणा की जा रही थी, मेरा मन चाहता था कि मैं इस बात को समझूं, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु अगर आप सच्चे हैं तो आप एक दर्शन दीजिए। और मैंने उस दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को देखा और उस प्रार्थना के दौरान प्रभु ने मुझे छुआ और मुझसे बातें की, और उस प्रार्थना के दौरान ही मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को पा लेने के बाद विकास का जीवन आशीषों से भर गया और वो खुद को एक बिल्कुल ही बदला हुआ व्यक्ति महसूस करने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, मेरी लाइफ में एक चेंज शुरू हुआ। मेरा संबंध लोगों के साथ अच्छा हुआ, मैंने प्रेम करना सीखा, मैंने जिंदगी को जीना सीखा, ये जीवन है क्या, और अनंत की आशा मुझे मिली कि जब मैं इस पृथ्वी को छोड़ूंगा मैं कहां जाऊंगा। मुझे पता है कि मैं उस परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करूंगा। 12 साल के बाद आज भी विकास परमेश्वर की सेवा में लगे हैं और वो उन लोगों के बीच सेवकाई कर रहे हैं जो यीशु के प्रेम और उनकी सच्चाई को अब तक नहीं जान पाए हैं, जिन्होंने उनके जीवन को आशीषों से भर दिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन मुझे मिला है, जो शांति मुझे मिली है, मैं उस शांति को, उस प्रेम को लोगों तक बांटना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के उस प्रेम को जो क्रूस पर प्रकट किया गया, एक एक व्यक्ति जान ले कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों के लिए, उनके गलत कामों के लिए, चाहे वो जानकर करें अनजान में करें, उनके जीवन के लिए कोई क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तो तुम परमेश्वर के लिए जियो, उस यीशु के लिए जियो। परमेश्वर के पास आना मुश्किल नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपका बेटा है और एक जंगल में वो फंसा है और वो ढूंढ रहा है, मेहनत कर रहा है कि किस तरह उस जंगल से वो बाहर निकल सके, और आप उसके पिता हैं और उसको आप देख सकते हैं। क्या आप उसका आपके करीब आना मुश्किल करेंगे? क्या आप और दूर चले जाएंगे, बोलेंगे ना 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 इसके लिए और मैं मुश्किल करता हूं? नहीं, अगर आप सच्चे पिता हैं तो आप ढूंढ कर आप उस जंगल में खुद जाकर उसको ढूंढ निकालेंगे, उसे बचा लेंगे। हमारा परमेश्वर पिता भी वैसा ही है। वो नहीं चाहता कि आप इतना परिश्रम करें, वो चाहता है कि वो खुद आपके पास आए और आपको वो बचाना चाहता है, आपके वो करीब आना चाहता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने विकास के जीवन में देखा। हमने देखा किस तरीके से उसने यीशु मसीह की सच्चाई के बारे में, सच्चे परमेश्वर की सच्चाई के बारे में जाना। उसने एक कदम बढ़ाया और यीशु मसीह ने दो कदम बढ़ाए और उसको थाम लिया। आज आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है।